तेज बारिश ने केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बारिश की वजह से प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के आसार को देखते हुए श्रद्धालुओं से जहां पर हैं वहीं रहने, साथ ही सतर्कता बरतने की अपील की है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा सोमवार को सिर्फ एक घंटे ही चली। श्रद्धालु दिन भर आराध्य के दर्शन करते रहे, लेकिन जिला मुख्यालय से गौरीकुंड तक कई जगहों पर हजारों यात्री रोके गए हैं। केदारनाथ घाटी और केदारनाथ में तेज बारिश और घना कोहरा छाने की वजह से प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। इस दौरान रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक जगह जगह 5000 श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, तो सोनप्रयाग में 2000 और गौरीकुंड में 3200 श्रद्धालुओं को रोका गया है। दरअसल सोमवार को सोनप्रयाग से सुबह 8 बजे तक 8530 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने श्रद्धालुओं से जहां पर मौजूद हैं वहीं पर रहने की अपील की है। पुलिस उपाधीक्षक पीके घिल्डियाल ने श्रद्धालुओं से कहा, जिन श्रद्धालुओं ने कमरे बुक नहीं कराए हैं उन्हें रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि के बीच होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, धर्मशाला में भेजा जा रहा है। साथ ही जिन श्रद्धालुओं के कमरे बुक करा रखे हैं उन्हें अगले आदेश तक अपने कमरों में ही रुकने के लिए कहा गया है।